अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ आज का व्लॉग। और आज मैं जाने वाला हूँ जी डिफेंस रोड से सीधा आगे कहाँ DH रैबर, और वहाँ से हम जाएंगे अंदर। तो ये देखें जी, अभी 2:77 हो चुका है और मैं इस टाइम हूँ सदात चौक पे, और अभी हम जाएंगे सीधा आज एडली एवेन्यू और जुबली टाउन से नहीं जाऊँगा। आज मैं जाऊंगा जी सीधा भूपतियाँ और उस साइड से होता हुआ। तो ये है जी, पहले तो ये वही वाला रोड है जो आप रूटीन में देखते हैं, इस साइड पे भी फैक्ट्रियाँ, इस साइड पे भी फैक्ट्रियाँ। तो पहले मैं मुड़ता हूँ यहाँ से, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये है जी, ओ वाह, खुबानी कितनी प्यारी है, ओए ओए एप्पल है एप्पल है, कुबानी के साइज का एप्पल है, ये तो एप्पल निकला भाई। तो पहले मैं तकरीबन यहाँ से करके यहाँ से आए। देखो भाई, रिक्शे वाले कहाँ जाओगे। ये है जी जहाँ से हम पहले मुड़ते हैं, वो तकरीबन 796 पे आ गया है। ये है जी फैक्ट्री, और मुझे यहाँ से नहीं था जाना चाहिए, गलती की है, उसकी रीज़न बताऊंगा अभी आगे जा के। देखिए जी रश, इधर रश मिलेगा मुझे, रश, ये मैंने की है गलती। ये है जी रूट्स पे फैक्ट्री की बसें, और इन बसों को हम क्रॉस करते हुए आगे को जा रहे हैं। और ओहो, फ्यूल कहाँ से डलवाएं ये भी ज़रा सोचें और हमको बताएं। तो ये है जी, देखें किस साइड से, मुझे कुछ पता नहीं, ये पुल क्यों है इधर, ये भी मुझको नहीं पता। नीचे कोई नाला, कोई ट्रेन, कोई कुछ नहीं, फिर भी यहाँ पे फ्लाईओवर टाइप बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं जी सीधा, और यहाँ पे आ गया आई लव ड्रीम गार्ड। अच्छा जी, ये है ड्रीम गार्ड, इस वजह से मैं कह रहा था यहाँ पे रश होएगा और मेरे लिए होएगी मुश्किल। वो देखिए, उसने मोड़नी और वो कहाँ से निकल रहा है। दिस इज ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। ये है जी बादल चढ़े हुए हैं, ड्रीम गार्डन हाउसिंग स्कीम। यहाँ से ये मसला है कि थोड़ा रशी है, रशी। ये कोई यूनिवर्सिटी है, अच्छा जी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। खैर आगे देखते हैं जी क्या बनता है। अभी तो इशारे वाला चौक आएगा वहाँ पे, सही मुझे लगता है यहाँ बारिश भी हुई है, पानी पानी पानी। आप किसी डाले के पीछे आ जाए, आपको आगे वाली ट्रैफिक का नहीं पता चलता। पेंटर्स, मेरी कोशिश थी मैं इस डाले से आगे निकल जाऊँ और वो मैं निकल गया। और ये देखें पुलिस सड़कें, अली अकबर ग्रुप। ये मेरे ख्याल से वो वाला अली अकबर है जो पेस्टिसाइड्स की दवाई बनाते हैं। धुआं मारती गाड़ियां, ये है जी ट्रेन। पता नहीं मुझे यहां से क्यों लग रहा है नहीं था आना चाहिए। खैर अब तो आ गया हूँ, और अब आप देख रहे हैं कि अंदर वाली रोड्स कितनी साफ थी और बाहर वाली कितनी गंदी गंदी।
अभी लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और कहीं अच्छी सी जगह से जाके वीडियो स्टार्ट करेंगे रश से बाहर निकल के। ये देखें जी सामने आ गया रायमन रोड और ये है जी इशारा और मिशारा। इस तरफ मोटरवे, इस तरफ ये, और मैं जाऊंगा इधर से सीता वलेंसिया की तरफ। उफ अल्लाह या अल्लाह रहम फरमा, मैं भी हाइपर हो रहा हूँ। ये है जी अच्छा जी कोई फैक्ट्री आउटलेट थी, हाँ देखी नहीं मैंने गौर से। खैर ये दिया लाहौर यूनिवर्सिटी आ जाएगी आगे और आप इस साइड पे रश देख लें कि कितना ज़्यादा है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं? मुझको तो यही लगता है यहाँ से नहीं आना चाहिए। और वो देखे सामने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टेक्निकल, नहीं नहीं टेक्निकल नहीं टीचिंग हॉस्पिटल। अच्छा जी अब भाई थोड़ी थोड़ी समझ। रश देखें आप यहाँ पे, ये देखें ये होती हैं बड़ी और प्राइवेट कंपनियाँ जो अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम ट्रांसपोर्ट देती हैं 24 घंटे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना जैसे मेला लगा हुआ है। मौसम चेक करें सामने काले काले बादल हैं। हाय 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 बड़े बड़े ट्रक्स, छोटी छोटी मोटरसाइकिल्स। लॉजिस्टिक का ये है जी दी बाल रूम, बैंक्वेट हॉल और 84 हो गए हैं, 77 पे वहाँ से निकले थे। और मेरा अभी काफ़ी सफ़र पड़ा हो, ये लगता है आज बहुत ज़्यादा बारिश होएगी इंशाल्लाह। मौसम हाय 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 शशके शशके फुल व्यू। ये आ गया पाइन एवेन्यू और मेरा हो गया है डिस्टेंस ही 85। मतलब ये पाइन एवेन्यू कितना किलोमीटर की होगी? 2 किलोमीटर। ओह माय गुडनेस, यहाँ पे आप इश्तिहार लगवा सकते हैं अपना। और अभी हम जा रहे हैं अपनी अपनी धूम पे, अपनी अपनी दम, दिगड़ी दम दिगड़ी दम। और ये है जिस थोड़ा सा एग्जैक्ट मुझे नहीं समझ आ रही इस टाइम, लेकिन आ रही है कि ये पाइन एवेन्यू ही है। हाँ आगे अच्छा ठीक है, आगे वलेंसिया वाला गोल चक्कर आ जाएगा, अब आगे समझ। तो है जी वलेंसिया वाला गोल चक्कर, टी एंड टी आपारा सोसाइटी। ये है गोल चक्कर, शुम शुम जगला का बोम बोम। ये है जी वलेंसिया टाउन और उसकी सिक्योरिटी। मुझे है जी इधर काम, इसलिए मैं आ गया हूँ इधर से, या तो मेरा घर पिछली साइड पे है। वलेंसिया टाउन एंटर होते ही फूलों की मार्केट और ये डुल बूटियाँ और ये यहाँ से आ गया मैं तारिक गार्डन के अंदर। और ये है जी आहो तारिक गार्डन स्पीड ब्रेक कर 87.4। ऑलमोस्ट यहाँ से डिस्टेंस कम पड़ता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। इस तरफ से तो डिस्टेंस कम पड़ता है, अब हम इस तरफ से ही जाया करेंगे, पर इधर से हमको टाइम ज़्यादा लगता है। मैं गाना ज़्यादा गा लिया, हद
तारे गार्डन की ये चीज है, सड़कें खुली खुली है। ये चेक करें, ये अंदर वाली रोड व्यू चेक करें, ये सामने, ये हालांकि मेन रोड नहीं है, ये देखिए कोई सड़क आप देख लें खुली खुली, ऐसे छे छे गाड़ियां, हाँ हाँ एक सड़क पे खुली डुली छह खड़ी हो सकती हैं और गुजरने के लिए चार तो आराम से गुजर सकती हैं। और ये देखें वेल मैनेज्ड पार्क, और ये गार्ड्स बाय कार्ट 288, और यहाँ से होंगे बाहर, यम यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए कि मैंने जाना है, अस्सलाम वालेकुम या गाजियाबाद सलमदार, और यहाँ से मैंने इसलिए बाहर जाना है कि मैंने जाना है रेनबो पे, वहाँ से लेनी है वेजिटेबल्स और फिर उसके बाद जाना है घर। ये देखें आप डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, बारिश हो गई है स्टार्ट और हल्की हल्की अभी फॉल टाइप पड़ना शुरू हो गई है, तो वाइपर नहीं चलाएंगे क्योंकि कहीं मोटी मोटी बारिश हुई है, गाड़ियाँ ना कहीं ज़्यादा ज़्यादा गिली आ रही हैं। बहरहाल ये है जी रहमत चौक, हाँ हाँ यहाँ ज़्यादा बारिश है, ये देखें, पर ये बारिश से हबस होएगी। ओ बम्पर ऑफर लार्ज पिज़्ज़ा 999, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा हो गया जी, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा ले लो ले लो ले लो ले लो।